सबसे पहले देखते हैं आप क्या सोचते हैं आपके पार्टनर के लिए। फोर ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या है। द टावर, ओके, द टेम्परेंस। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और आप अपनी लाइफ में एक नया लव वेलकम करने वाले हैं। और सेवन ऑफ कप बॉटम कार्ड है, ओके, एंड फोर ऑफ कप इज योर एनर्जी एंड द टावर एनर्जी। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी कुछ हद तक सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं आप भी इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का अपने पार्टनर से बात नहीं हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट में हैं, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं डिवोर्सी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रही हूँ जिसमें एक बहुत बिटर पास्ट से आप निकले हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो एक नया प्यार ढूंढ रहे हैं, एक नया इंसान ढूंढ रहे हैं जो आपको ट्रस्ट कर सके, जो आपकी बातों पर ट्रस्ट कर सके, जो आपको जज ना करे। आप शांति चाहते हैं, आप ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपको प्यार करे, आपको जज ना करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में भाग रहे हैं। कुछ उनको लगता है ये रिलेशनशिप वर्क ऑन नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरीके से अभी हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अगर वो बात भी कर रहे हैं तो बहुत रूड बात कर रहे हैं आपसे, आपसे उस तरीके से नहीं बात कर रहे जैसे आप उनसे बात करना चाहते हो या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे उनकी बातें तो हो रही हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो एनर्जी रुकी हुई है, वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो बात कर नहीं पा रहे हैं, एनर्जी स्टॉप है, एक जगह पे एनर्जी है, मतलब फ्लो उतना तेज नहीं है जितना तेज होना चाहिए। एक तरीके से बात बहुत करना चाहते हैं, बहुत कुछ है आपको बताने को, पर जो बात करने का जरिया है वहां पे ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपसे उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जो वो सच में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें इधर उधर की हो रही हैं बट हो नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको स्पेस ही नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने से उनका दम घुटता है, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हो उनको, आप हर छोटी छोटी चीज़ों को उनसे पूछते रहते हो, एक तरीके से आप उनको कंट्रोल करने लगते हो, ये उनको लगता है ऐसा। अब आप अपनी एनर्जी समझो कि आपकी एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं मुझे सच में ये चीज लग रही है कि आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हो उनको, ओके। यू ट्राई टू बिकम बॉस इन अ रिलेशनशिप, ओके। अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल पर्सन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्यार तो उनसे करते हैं लेकिन प्यार के साथ साथ ना आप कंट्रोल भी उनको बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर काम ज़रूर करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, और आपको लगता है उसके आगे कुछ है नहीं। एक्चुअली में टेम्परेंस का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, जो कि बहुत ब्यूटीफुली ये बताता है कि आपको, आपके पास ऑप्शंस हैं, ओके, और आपके पास पूरी तरीके से ऑरा और एनर्जी और यू नो ऊपर वाले का सपोर्ट भी है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं वो सही तरीके से बैठ नहीं रहा है। आपके लिए हर्मिट का कार्ड है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर्मिट है, ओके। सो कुछ टाइम आप एकांत में रहिए, कुछ टाइम आप अकेले रहिए, हो सके तो एक दो दिन आप अकेले बिताइए,
नो फोन, नो इंटरनेट, नथिंग, ओके। और रीजन फाइंड आउट करिए कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप में ये इशू हो क्यों रहा है। अगर आप ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप अगर ठीक करना है तो आपको उनसे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही फायर एनर्जी को कैरी करते हैं, मार्शल एनर्जी को कैरी करते हैं। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बहुत अपना स्पेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे मेरा टाइम चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे आप उस टाइम पे इंटरफेयर मत करो मेरी लाइफ में, ज़्यादा उनकी लाइफ में पोक मत करो आप, उनको उतना स्पेस दो आप, और आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप खुद को ही भूलते जा रहे हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है और आपका भी दिमाग खराब हो रहा है। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप है, ठीक है, और जो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, जो सच में इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बॉसी नहीं बनना है और अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करना है, और साथ ही साथ कंट्रोल ना करते हुए उनको उनका स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा और चांसेस है कि आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ओके। बट पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड फिर से बोल रहा है टाइम, एकांत, खुद के लिए, और जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप वेलकम करो। आप खुद की ऑरा को, खुद की एनर्जी को कहीं बांध के मत रखो आप, तो ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में लेट मी चेक, कुछ कार्ड और निकालने दीजिए। देखिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो नए रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई यू नो प्रपोज कर रहा है या आपको लाइफ में कोई आ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको अपनी लाइफ में आने दीजिए, ठीक है। कार्ड्स आर पॉजिटिव, और आप अगर उनको अपनी लाइफ में आने देंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप उनके साथ इम्प्रूव होगा, और जो पास्ट में आपके बेटर एक्सपीरियंस हैं उनको लेकर के सिर्फ आप अपने को ब्लॉक करके एक जगह मत रखिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को और खूबसूरत और बहुत सारी खुशियों के साथ भर सकते हैं। तो मैं अभी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाइए। जितना स्पेस आपको चाहिए उतना ही स्पेस उनको चाहिए, जितनी खुशी आपको चाहिए उतनी खुशी उनको भी चाहिए, जितना आप प्यार के बारे में बात करते हो उतना ही उनको भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो कोशिश करो अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने की, स्पेस देने की, और ज़्यादा ओवर पोजेसिव होने की नहीं। रिलेशनशिप में ओवर पोजेसिव होना रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है, मार देता है एक तरीके से, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ आप उससे बात करिए, कम्युनिकेट करिए, रिस्पेक्ट करिए उसकी फीलिंग को। और अगर आपको पसंद है तो आप उसके साथ लाइफ में आगे बढ़िए, अगर नहीं पसंद है तो बहुत रिस्पेक्टफुली उसको बोलिए कि वो आपको, आप उसको पसंद नहीं करते हो, ताकि वो अपना टाइम और एनर्जी आप पे वेस्ट ना करें, ठीक है। तो चलिए, इसी नोट पे मैं यहाँ पे रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा।